यार मेरे को पहले लगा था मैं ही लेट हूँ, पर बहुत सारे और भी लोग हैं जो मेरे से लेट हैं और बहुत वियर लगता है भाई यहाँ पे व्लॉगिंग करना पब्लिक में। आपको एक बार मैं दिखाता हूँ, ये देखो गाइस कितने सारे लोग हैं जो अभी आ रहे हैं, मतलब ये तो आगे जा रहे हैं, पीछे से एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो देखो भाई कितने सारे अभी भी आ रहे हैं। एक और कैंपस टूर की वीडियो लेके आऊँगा मैं। यहाँ पे गाइस एडवर्टाइजमेंट चलती है हमारी, ये हमारा ब्लॉग जो कि धुंध से ढका हुआ है फिलहाल, और बच्चे काफ़ी कम लगा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डे है, सारे घर गए एग्जाम के बाद। भाई जी है मेरा ब्लॉग, चलते अंदर। तो फाइनली क्लास में पहुंच गए, चलते हैं अभी क्लास में। सुबह आज पता नहीं बच्चे क्यों कम बहुत आए हैं क्योंकि फर्स्ट डे है। पहले पहले दिन में ना गाइस इंट्रोडक्शन हो रही है सबकी, सारे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्योंकि मैडम न्यू है अभी नेक्स्ट सेमेस्टर वाली, तो चलो इंट्रोडक्शन तो दे दिया। कैमरा रिकॉर्ड करना मुश्किल हो रहा है, मैडम ना देख ले। सो फाइनली गाइस अभी ब्रेक हुई है, पूरी क्लास बाहर चल गई है। वैसे आए 5-6 बंदे थे, और रविंदर भाई जमना लिया बना देना भी, और रविंदर की हाल है, और बनाना वीडियो बना सकते हैं। और गाइस इसका नाम है रविंदर और इसका नाम है क्या नाम था यार देते लास्ट के नाम ही नहीं याद। नहीं यार नहीं, वो वीडियो के चक्कर से रविंदर और दीपांशु बैठा। तो भाई आज मतलब पहली बार ना, मेरे को तो लग रहा है इनको पता नहीं, पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाई पढ़े हैं आज कुछ है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा नहीं। और सेमेस्टर की तैयारी है, और सेमेस्टर की पहले दिन होता है यार, इस बार 90% अटेंडेंस करनी है। अरविंदर भाई आपका क्या कहना है इस पे, 90% हमारी साली 75 नहीं होती थी पहले। सो भाई ये यहाँ पे न्यू बॉयज हॉस्टल है, सुखमनी हॉस्टल कर दिया इसका नाम, पता नहीं क्यों चेंज करके। और यहाँ पे फूड कोर्ट है। अभी एक कैंपस टूर वीडियो लाऊंगा मैं जल्दी एक और, क्योंकि अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है कैंपस में। ये भी गाइस नया खुला है, पिछले जो मैं कैंपस टूर वीडियो बनाई थी उसमें ये नहीं था, इंडोर स्पोर्ट्स अरीना है। इसमें काफ़ी सारे अंदर स्पोर्ट्स, कैरम हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे जो हमारा BCA और BTEC वाले ब्लॉक्स हैं, COE ब्लॉक हैं। फिलहाल मैं अपने ब्लॉक में वापस जा रहा हूँ। ये देखो गाइस मेरी वीडियो नहीं बनानी। एनिमे लवर, कौन सा करेक्टर पसंद है? लॉर्ड शैडो। लॉर्ड भाई हम आज कोशिश कर रहे हैं ChatGPT या फिर किसी भी AI की मदद से हम एकदम से वेबसाइट बना दें, ज़्यादा हमको मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पे हमारे आदित्य भाई लगे हैं टाइपिंग करने। क्या कह रहा भी है एक उसका कॉलेज ट्यूटर, वो साइट टाइप बता रहा है और इसमें ऐप्स कौन से होंगे, बुकिंग्स इंस्टाग्राम वगैरह। व्हाट इट सो विक्स नॉट विल ऑफर असाइनमेंट्स एंड रीडिंग नोट्स एंड बुक PDFs फ्रॉम विजिटर्स, जिसने अकेला बुकिंग ही कर दिया। सो गाइस ऐसे कमांड दे देके आप इजीली कोई भी ऐप बना सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो तो। बाकी ज्यादा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करूंगा। बाय बाय। ओ गाइस क्या लिखा है, विंटर इज कमिंग भाई, और कितनी ठंड आनी है यार, ऑलरेडी इतना बुरा हाल हो गया ठंड से। सो गाइस ये लैब है, पर इधर तो लैब में तो आ गया, पर लैब में तो काम चल रहा है। क्या कर रहे हो आप? भाई ये सामान उतार रहा है कंप्यूटर का। भाई विजुअल 3D है अपने वाली स्क्रीन पे। अच्छा अरे भाई देखो गाइस ये देखो पढ़ने का स्टाइल चेक करो, 3D है ब्रो। और क्या, चलो ये क्या तूने पैटर्न बना दिया यहाँ पे, और हमारा अभी तक लॉगिन ही नहीं हो रहा यार। चलो लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से, बता तेरा ID पासवर्ड लगा दे यार यहाँ पे। चलो गाइस ID पासवर्ड यहाँ पे फिल करना पड़ता है तभी चलता है, और चल पड़ा है। तो यहाँ पे हमने कोड लिख दिया है, और हमारा कोड चेक करो भाई, फोर्थ सेमेस्टर में आके इतना इतना बढ़िया कोड लिख सकता है क्या कोई? रन करके दिखाता हूँ आप लोग को एक बार, रन करके दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई मेरे से अच्छा कोडर है नहीं भाई, कोई नहीं भाई। ये देखो 5+5=10 आउटपुट आ रही है, मतलब कोड चल रहा है हमारा यार। फोर्थ सेमेस्टर में आके मैंने एडिंग 2 नंबर सीख लिया गाइस, मिशन सक्सेसफुल, CGC में आना कामयाब है गाइस। कभी आपने कीबोर्ड चलाया है? नहीं चलाया होगा, क्योंकि इसका एंटर देखो गाइस, यहाँ पे है शिफ्ट और एंटर यहाँ पे है, और बाकी बटन भी देखो, और मेरे को कमेंट करके बताओ कौन कौन से बटन गलत लगे हैं, और इसको ज़रूर देख लेना। सो गाइस ये मैं कर रहा हूँ। दीपांशु वैसे लैब कौन सी है? DAA। और ये क्या कर रही है? ये कौन सी DAA कर रही है? ये गाइस ये देखो इसका घर, इसके घर की तो नींव ही नहीं है भाई, कहाँ हिल रहा है इसका घर है गाइस। देख लो ये आधा घंटा लगा के इसने ये किया है, और हमने देखो कितनी अच्छी कोडिंग करी है गाइस, पढ़ने वाले बच्चे बनो भाई। तो गाइस एक और ड्राइंग बना ली गई है, वेरी गुड, अच्छी बनी। चलो
तो चलो गाइस अभी लैब का टाइम खत्म हो गया, छुट्टी हो गई है, चलते हैं जल्दी से। तो फाइनली गाइस 6 घंटे लगाने के बाद यहाँ पे जो है छुट्टी हो गई है। और बच्चे खेलना यार मेरे को समझ नहीं आता, हम यहाँ पे पढ़ पुढ़ के निकलते हैं और ये बच्चे पहले ही खेलने पहुँच जाते हैं। चलो एनीवेज धुंध बहुत ही ज़्यादा है भाई, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा वैसे वीडियो में, हाथ पूरे लाल हो रखे हैं यार मेरे, बहुत बुरा हाल है। चलो चलते हैं। कॉलेज तो ख़त्म हो गया, अभी वापस जाएंगे हम अपने फ्लैट में और फिलहाल गोलगप्पे खाने का प्लान है भाई। ऐसे मौसम में ना ठंडी चीज़ें खाने का मज़ा बहुत आता है, मतलब बीमार तो हो जाते हैं पर मज़ा आता है। तो चलो अभी हम जल्दी से गोलगप्पे खाएंगे, उसके बाद मैं फ्लैट में जाऊँगा, बाकी जो जो होगा आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। तो यही कुछ अजीबोगरीब सा दिन था आज का, हमारा फर्स्ट डे था इस 4th सेमेस्टर का, काफ़ी बढ़िया लगा और लगा कि भाई हाँ कुछ पढ़ रहे हैं हम आज, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली, पहला दिन था शायद इसलिए, धीरे धीरे ये मोटिवेशन भी उतर जाएगी मेरी। सो गाइज ये बनाया हमारा एक न्यू गेट, देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले मैंने आप पहले की वीडियो भी आप देख सकते हो, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, अब काफ़ी बढ़िया हो गया है। सो गाइज यहाँ पे मेरे को एक स्कूटी मिली है, तो आपने अपनी स्कूटी पार्क नहीं करी थी कार? तेरी है ये? तेरी नहीं है? अच्छा मोटरसाइकिल भी आई है। चलो तो गाइस अभी हम यहाँ पे पिज्जा खाने लगे हैं, कशिश खिलाएगी पिज्जा खिलाएगी? नहीं तो चलो। सो गाइस ठंड बहुत है फिलहाल, कुछ खाने का मन कर रहा था तो यहाँ पे आए हैं क्रेजी बोट पिज्जा में, ये ठीक कॉलेज के बाहर ही है, यहाँ पे हमारा कॉलेज है और इसके ठीक बाहर यहाँ पे क्रेजी बोट पिज्जा है, तो जल्दी से खाते हैं। और भूख मार रही है, चले। फाइनली गाइस पिज़्ज़ा आ चुका है और यहाँ पे एक मेरे को नोट मिला है जो कि काफ़ी सही है, सेइंग नो टू ड्रग एंड यस टू पिज़्ज़ा, तो इसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ भाई, पिज़्ज़ा खाओ ड्रग वगैरह छोड़ो, नशा करना ही है तो पिज़्ज़ा का करो मेरे भाई। चलो जी जल्दी जल्दी खल्लास करते हैं इसको। ट्रैफिक चेक करो भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज, बहुत ही ज़्यादा, देखो कहाँ तक पीछे तक भरा पूरा, और लाइटें वो देखो कितनी दूर हैं अभी, बहुत जाम है गाइस आज। सामने कॉलेज है और यहाँ पे गोलगप्पे वाले भैया बहुत अच्छा गोलगप्पे बनाते हैं, और आ गया खाने, पकड़ लिया प्लेट, ऑटो में बैठ गए। फाइनली फ्लैट में पहुंच गए हैं, रात हो गई है काफ़ी, उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। सो चलो पहले अंदर चलते हैं, अंधेरा हो गया काफ़ी यार। फाइनली गाइज फाइनली मैं यहाँ पे 7 से 8 घंटे बाहर अपने कॉलेज में लगा के वापस आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ एकदम लाल हो चुके थे, मैंने आपको वीडियो के इस बीच में भी दिखाया था, पहले भी आपको मैंने कॉलेज में था तब भी आपको बताया था भाई हाथ का बुरा हाल हो गया यार, इतनी ज़्यादा ठंड है, कान पूरे दर्द हो रहे हैं, हाथ दर्द हो रहे हैं, टोपी वगैरह डालनी चाहिए मम्मी बोलती है पापा बोलते हैं पर मैं सुनता नहीं हूँ। फिलहाल मैं फ्लाइट में आ गया हूँ और आप देख सकते हो खाली है, बिल्कुल कोई भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रूममेट्स मेरे घर गए हैं और एक मेजर रीज़न यही है, आप कह रहे मैंने आपको बोला ना कि यार अंधेरा हो गया बाहर है ना, तो अंधेरा इसीलिए हो गया क्योंकि मैं 1-1.5 घंटा बाहर ही था, मैं खुद ही नहीं आ रहा था क्योंकि यार क्या करना ना, अगर कोई है ही नहीं फ्लैट में मैं अकेला हूँ, डर भी लगता भाई कभी कभी, तो इसलिए मैं चुप करके मैंने कहा चलो अभी तो आना ही पड़ेगा, धूप कह रहा हूँ, धुंध वगैरह बहुत हो गई है तो अभी आना पड़ा, और अभी थोड़ी देर आके कपड़े को वगैरह चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत काम है, बर्तन भी धोने हैं भाई, कल की मैगी वगैरह खाई है, सुबह दूध भी है तो वो बर्तन भी धोएंगे, और काफ़ी सारा सामान है यहाँ पे बिखरा हुआ है, देखो सारा सामान बिखरा है क्योंकि हमने 2 दिन पहले शिफ्ट मारा है, तो वो सारा सामान भी उठाना है तो वो भी सेट कर लेंगे, तो अभी बस यही करना है मेरे को मेन, अपना सारा सामान सेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बर्तन धो लूँ, पानी मैंने गर्म करने पे लगा दिया है, और पानी मतलब यार मैं सही बताऊँ ना यार, मम्मी हमारी करती थी ना, आज पता चल रहा है कैसे बर्तन वगैरह धोते हैं, सारे काम करते हैं, तो यार सही में यार बहुत मुश्किल काम होता है मम्मियों का भी, आज पता चल रहा है। अभी फिलहाल हमारे पास तो गीजर है, जब हमारा घर में टाइम था, अभी तो चलो घर में भी है पर पहले नहीं हुआ करता था, तो कैसे धोते थे यार समझ आ रहा है। तो चलो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो में आपको मैंने बताया अपना कॉलेज का फर्स्ट डे सेमेस्टर 4th का, जहाँ पे गई आज जो हमको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली, जावा हमारा इंक्लूड हुआ हमारे इस बार सिलेबस में, उसके साथ ही DAA उसकी लैब भी लगी, वैसे मैं आई नहीं थी, थोड़ा नौटंकी वगैरह करी वहाँ पे, मजे किए, आपने देखा ही होगा, तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिया देखते हमारे चैनल की बेहतरीन वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो गाइस।